हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की एक और ट्रिक। और इस ट्रिक का फ़ायदा हमें तब पता चलेगा जब कम से कम दो सवाल हम कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले जो हम एग्जांपल लेंगे वो सिंपल होगा, लेकिन दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टॉपिक हमारा यह है, जब ब्याज की दर हर साल बदले। तो हम पहली बार बदलती हुई दर नहीं लेंगे, सिंपल दर लेंगे, उसके जरिए हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरी बार में हम बदलती हुई दर से सवाल करना सीख जाएंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 24,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24,000 को हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको हम कुछ इस ढंग से चेंज करते हैं। 10% को मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/100 इज इक्वल टू 1/10। तो अब हम 1/10 ही लेके चलेंगे हर जगह, और अब हम सवाल करना सीखते हैं कैसे हम इसको आगे टैकल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो 24,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम ऐसे लिख लेंगे 24,000। उसके बाद हम 3 साल की बात कर रहे हैं, तो 3 एरो यहाँ पे खींच लेंगे। ये होगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, और ये थर्ड ईयर के लिए। ऐसे ही अगर हम चौथे ईयर की अगर कोई बात करना चाहें, वैसे कर लेंगे अभी हम बात, हालांकि सवाल में हमें पूछा नहीं है चौथे साल का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देंगे चौथे साल का। पहले साल में सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, और यहाँ पे हम 1/10 कर देंगे इसका। 24,000 का 1/10 करेंगे, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ढंग से ऐसे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2,400 रुपये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट भी पहले साल के लिए होगा, और ये हर साल मिलेगा 2,400 रुपये, क्योंकि यहाँ पे भी 1/10 करेंगे, यहाँ पे भी 1/10, और यहाँ पे भी 1/10। चाहो तो आप लिख लो ऐसे, 1/10, 1/10, 1/10। तो तीसरे साल फिर से हमें ये 2,400 रुपये मिलेगा, और अगर चौथे साल या उसके बाद की किसी साल की बात करें तो अब भी हमें 2,400 रुपये तो मिलेगा ही हर साल। लेकिन इसके अलावा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मिलेगा, जो कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मिलेगा। तो वो कैसे मिलता है, ये 2,400 रुपये तो हमारे पहले साल का हो गया, दूसरे साल के लिए ये 2,400 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस होगा इसका 10%, यानी कि 1/10 इसका। तो ये हमारा 240 रुपये और मिलेगा, और ऐसे करके सेकेंड ईयर का कुल इंटरेस्ट जो हमारा, ये प्लस ये प्लस ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले साल का 2,400 रुपये, दूसरे साल का ये प्लस ये, 2,448 प्लस 2, 5,040 रुपये सेकेंड ईयर तक का कंपाउंड इंटरेस्ट ये बन गया हमारा। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, तो थर्ड ईयर में अभी और ये 2,400 रुपये तो मिला ही मिला, इस 2,400 का भी 10% मिलेगा, यानी कि 240 रुपये। इसका भी मिलेगा 10%, 240 रुपये और हो गया ऐड, और इसका भी मिलेगा 10%, तो ये 2,400 रुपया और ऐड हो गया। तो ऐसे करके 7,944, ये हमारा थर्ड ईयर तक का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया। अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें, तो आप देखेंगे यहाँ एक एंट्री, यहाँ दो एंट्री, फिर यहाँ चार एंट्री, तो यहाँ 8 एंट्री ऐसे करके बनेंगी। तो फोर्थ ईयर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 3 साल का ही हमें चाहिए था, तो यहाँ 3 साल का हो गया। लेकिन हमने आपको बता दिया कि चौथे साल का हम कैसे निकालेंगे, वो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। बाकी दूसरे वीडियो में हमारी उस पर भी उस तरह के सवाल भी हम देखेंगे, उस तरह पे उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल से पहले इसको हम एक टेबल के ज़रिए समझना चाहेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम इसको एक टेबल की मार्फत आपको अच्छे से बता दें। देखिए, ये 2,400 रुपये हमने यहाँ लिख दिया है, 24,000, उसका 1/10 करेंगे तो ये पहले साल का इंटरेस्ट बन गया, फिर दूसरे साल के लिए ये बना, तीसरे साल के लिए ऐसे ही, और चौथे साल के लिए भी हमने ऐसे ही किया है। पहले साल में एक एंट्री है, 2,400 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट बना हमारा। उसके बाद दूसरे साल में दो एंट्री हो गई, ये और ये, लेकिन टोटल इंटरेस्ट के लिए हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरे साल का हमारा इंटरेस्ट ये आ गया 5,040 जो बना, ठीक है। ऐसे ही तीसरे साल के लिए अगर हम बात करें, तो ये 4 एंट्रीज तो होंगी होंगी, 3 एंट्री ये हो जाएंगी, एक ये, एक ये, एक ये, 3 एंट्री ये, 700 का जो हमारा एडिशन आएगा 7,944 हो जाएगा। तो तीसरे साल तक का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारा ये हो जाएगा। चौथे साल की अगर हम बात करें, तो 8 एंट्री ये आएंगी, 4 ये आएंगी, 12, 2 एंट्री का ये प्लस करेंगे इसमें, और एक ये, सब मिलाकर के हमारा 11,138.40 रुपये चौथे साल तक का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनेगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप वर्बली भी कर सकते हो, दो सवाल पर हार्डली प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्बली भी होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत टाइम बचेगा। अदरवाइज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का 3 साल का अगर आप इंटरेस्ट निकाले बैठोगे, तो 3-4 मिनट का सवाल बन जाता है ट्रेडिशनल स्टाइल में। चलिए दूसरा सवाल अब हम देखते हैं, दूसरे सवाल में क्या चेंजेज होने जा रहे हैं हमारे लिए। तो दूसरे सवाल को देखिए आप गौर से, ये है हमारा दूसरा सवाल, और इसमें हम बात कर रहे हैं
10,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले साल 4%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6% हो। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज ये आया सबसे बड़ा कि हर साल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता चला जा रहा है। तो बेसिक्स तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जा करके चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा अभी हम समझ लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पर 10,000 मेंशन कर दिया। अब चूंकि 3 साल की हम बात कर रहे हैं, तो एक दो तीन, तीनों एरो आप यहाँ पे लगा लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया है, हमें पहले साल के लिए दिया है 4%। तो 4% को आप जानते हो हम लिख सकते हैं 4/100, यानी कि 1/25। दूसरे साल का हमें दिया है 5%, तो 5% को भी हम चेंज कर देंगे 5/100, यानी कि 1/20। और तीसरे साल का दिया है 6%, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे 6/100। अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/50। तो ये तीनों रेट हमारे इस ढंग से अब दिखाई देंगे। तो पहले साल के लिए तो हम 4% के हिसाब से 1/25 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो ये बन जाएगा 400। दूसरे साल हमारा रेट रहेगा 5%, तो ये 1/20 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 500। और तीसरे साल 3/50 से हम इसको 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 से डिवाइड करने के बाद इसका बन जाएगा 600। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, टोटल 300 बन जाएगा यहाँ पे। तो तीसरे साल के लिए आएगा, लेकिन रेट था तीसरे साल का 3/50, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, वैसे तो कुछ ज़रूरी नहीं था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का तो ये हमारा फिक्स है, यही रहता है। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, एक एंट्री यहाँ पे हमें और चाहिए, वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। लेकिन रेट सेकेंड ईयर में कितना लगा, 1/20 के हिसाब से लगेगा, तो 1/20 यहाँ पे कर देंगे, तो 20 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट बना वो 5,900 और +20, 920 बना टोटल, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसको हम कहेंगे सेकेंड ईयर तक का। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, तो थर्ड ईयर में दो इंटरेस्ट हमें और चाहिए। एक तो हमें यहाँ से आएगा, जो किस रेट पे आएगा, 3/50 के हिसाब से आएगा। तो 3/50 के हिसाब से, यहाँ पे कोई स्पेस कम है तो थोड़ा सा आप समझ लेना, 3/50 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे करें तो ये 24 रुपये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 500 रुपये, इस पर भी हम 3/50 के हिसाब से करेंगे तो ये 30 रुपया बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 20 रुपये पे भी हमें 3/50 इसका भी करना पड़ेगा, तो ये 1 रुपया 20 पैसे बन जाएगा। तो हम जानते हैं थर्ड ईयर में हमारी 4 एंट्री होती है, 1, 2, 3, 4, चारों एंट्री कंप्लीट हो गई। ऐड कर देंगे तो ये 1,575 रुपये 20 पैसे का इंटरेस्ट हमारा थर्ड ईयर तक का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इतनी आसानी से ये सवाल फटाफट हो गया। इसमें अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन होता वो भी हम आसानी से कर सकते थे। अगर दूसरे साल का सिर्फ पूछता तो 500 + 20, 520 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा था हमारा। अगर दूसरे साल तक का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पूछता तो 920 रुपये बन रहा था। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता पहले साल का तो 400 रुपये बन रहा था। तो ऐसे करके हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उससे तमाम रिलेटेड इस तरह की क्वेरीज, इस तरह के सवाल कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, 5, 7, 10 नहीं तो 30-35 सेकेंड में ये आपका सवाल हो जाता है। तो आपसे मिलते हैं अब नए वीडियो में। अभी हमें इजाज़त दीजिए एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।